धन्यवाद देते हैं जेपी नड्डा साहब का और तेजस्वी सूर्या जी का। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी उसको हम बहुत अच्छे से निभाने का प्रयास करेंगे। कार्य समिति की पहली बैठक होनी बाकी है, तो जो भी हमें राष्ट्रीय स्तर पे दिशा निर्देश मिलेंगे उसका पालन करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, मैं हूँ आपके साथ शिवम। जमुई से बीजेपी की विधायक सुरेशी सिंह को पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें कि बीते दिन पहले सुरेशी सिंह को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है, जिसके बाद आज सुरेशी सिंह बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंची और वो मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कह रही हैं, पहले आप वो सुने। युवा मोर्चा में डेफिनेटली उनको लगता है, सबसे पहले तो धन्यवाद देते हैं जेपी नड्डा साहब का और तेजस्वी सूर्या जी का, साथ ही साथ बिहार के अपने जितने भाइयों के भाइयों हैं उन्होंने हमारा खूब साथ दिया है, आगे बढ़ने का मौका दिया है। हमने हर बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी उसको हम बहुत अच्छे से निभाने का प्रयास करेंगे, पूरी जोर से निभाने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ युवा मोर्चा में क्या कुछ नया चेंजिंग होगा, आने के बाद क्या कुछ नया कार्य? अभी देखिए कार्य समिति की पहली बैठक होनी बाकी है, तो जो भी हमें राष्ट्रीय स्तर पे दिशा निर्देश मिलेंगे उसका पालन करेंगे, और जिस तरह से हमने कहा कि संगठन को पूरी मजबूती से बिहार में जमुई में खड़ा करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जैसे कोविड के समय में युवा मोर्चा ने बहुत सारे काम किए हैं, कोविड खत्म हो गया है, अब क्या कुछ युवाओं के लिए करेंगे आप लोग संगठन को? जी बिल्कुल, संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग युवाओं का कार्यक्रम करेंगे, हर विधानसभा में कार्यक्रम करेंगे, जिला स्तरीय कार्यक्रम करेंगे, जिससे कि जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, सिद्धांत है, उनको हम आगे बढ़ा सके। तो आपने साफ तौर पे सुना, जहां एक तरफ जमुई से बीजेपी के विधायक सुरेशी सिंह को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है, ऐसे में उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही साथ बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या को आभार प्रकट किया है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए इसको लेकर वो हर एक कदम उठाएंगी, संगठन में युवाओं को कैसे जोड़ा जाए इसको लेकर भी वो हर एक संभव प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि अब कोरोना का जो लहर है वो ख़त्म हो चुका है, ऐसे में हर बिहार के हर एक ज़िले में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तहत वो कार्यक्रम करेंगी और लोगों को बताएंगी कि बीजेपी का क्या कुछ एजेंडा है, जिस कारण से बिहार में इस बार बीजेपी की एनडीए की सरकार है, इसको लेकर वो युवाओं को बताएंगी कि एनडीए की सरकार उनके लिए क्या कुछ कर रही है। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।